Hey guys, welcome to this channel. This is Neeraj, and आज मैं आपको बताने वाला हूँ RMU के बारे में. RMU it means ring main unit. इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें दो फीडर चार्ज होते हैं एक बार में, और अगर एक तरफ से आपका पावर कट होता है तो आप दूसरे तरीके से चार्ज कर सकते हैं. तो ये एक रिंग मेन यूनिट का बेनिफिट है, ठीक है. तो यहाँ पे आज मैं ABB का फोर वे RMU के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो फोर वे RMU इट मीन्स व्हाट, कि दो आइसोलेटर होंगे उसमें और दो ब्रेकर. ये दो हमारा आइसोलेटर है, दो ब्रेकर है, ठीक है. तो RMU को ऑपरेशन अभी जब भी करते हैं, सबसे पहले हम लोग को एक बात ध्यान रखना है, ये वाला प्रेशर. ये क्या है, ये एसएफसी गैस का प्रेशर है. इसमें जो इंडिकेशन है वो हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए. अगर ये रेड पे है तो ये डेंजर जोन है, यहाँ पे आपको फिर ऑपरेशन करने से बचना है. ये ऑपरेशन उस वक्त नहीं करना है. नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ से अब क्या करते हैं. तो ये मेरा एक इनकमिंग सोर्स होगा, और ये दूसरा आइसोलेटर वन, स्विच वन, और ये स्विच टू. यहाँ पे एक ये आइसोलेटर पोजिशन है, और ये ब्रेकर का ऑन ऑफ है, ठीक है. सेम यहाँ पे दो ब्रेकर है. यहाँ से हम लोड एक ब्रेकर वन से दे सकते हैं और ब्रेकर टू से दे सकते हैं, ठीक है. अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको ऑपरेशन कैसे किया जाए, इसको ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है. तो इस आइसोलेटर को अभी मुझे क्या करना है, ये अभी ऑफ पोजीशन पे है, इसको अभी ऑन करना है, ठीक है. तो ऑन कैसे करेंगे, ये हैंडल है, ठीक है, और मुझे करना है आइसोलेटर को ऑन. तो आइसोलेटर वाले ये यहाँ पे है, और अगर अर्थ करना होता तो ये यहाँ पे मुझे ये हैंडल को लगाना होता. अब मुझे करना है इसको ऑन, तो बस सिंपली इसको इसमें पुट करना है और थोड़ा सा प्रेशर देना है. जब ये ऐसा चला गया तो अब क्या करना है, यहाँ से मुझे ऑन करना है. तो ऑन का इंडिकेशन इस तरफ है, तो मुझे इधर थोड़ा टिल्ट करना है. ये अभी ऑन पोजीशन हो गया, ठीक है. अब अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो फिर से ऑन से ऑफ की ओर ले जाएंगे. हाँ, ध्यान रखिए, ये जो स्विच है ये तभी काम करेगा जब इसमें आप DC सप्लाई या ऑक्सिलरी AC दिए होंगे. तो इसमें अभी ये स्पेयर में है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ऑन ऑफ करके, क्योंकि ये स्पेयर में है और इसमें अभी सप्लाई नहीं है, तो इसलिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा. तो ऑफ करने के लिए सिंपली मुझे बस इधर से ऑफ करना है. अब अगर इस स्विच वन तक पावर आने में अगर केबल डैमेज है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिपेयर करना है. तो रिपेयर करने के लिए दोनों तरफ से मुझे ये अर्थ करना पड़ेगा. तो अर्थ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट इन करना है. ये पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है. जैसे ही इस ये जो स्टैंड है इसको अंदर पुट करना है. हाँ, अर्थ करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप इंडिकेशन एक बार देख लें. ये जो इंडिकेशन आती है इस सब में, ये लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ये जो इंडिकेशन है ये ग्लो नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स कि उस समय आइसोलेटर कटा होना चाहिए, ठीक है. अगर ये ग्लो कर रहा है, अगर इसका काट रहा है तो इसका इंडिकेशन देखना है. अगर ये ग्लो कर रहा है, इट मीन्स कि उस समय आपको अर्थ नहीं करना है, ठीक है. तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे जब भी हम अर्थ करते समय, और इसको अर्थ को लगाना है, इट मीन्स कि ऑफ से ऑन पोजीशन पर लाना होगा. तो इसको इधर की ओर टिल्ट करना है, और ये अभी देखिए ये अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया. अभी क्या है कि यहाँ पे इंडिकेशन अब नहीं आएगा, ठीक है. आइसोलेटर ऑफ था तो उस समय से ही अब इंडिकेशन नहीं आएगा. ये क्या है, तो ये है FPI. इट मीन्स कि अगर भी कहीं इसके डाउनस्ट्रीम में कहीं फॉल्ट होता है तो यहाँ पे ये इंडिकेशन आएगा कि आपका ये जो लाइन है इस लाइन में
L1, L2 या L3 जिसमें ग्लो करेगा तो पता चल जाएगा कि ये इसमें फॉल्ट है आगे इसके डाउन स्ट्रीम में। इट मीन्स कि यहाँ से अगर सोर्स है और ये लोड एंड है, अगर फॉल्ट यहाँ है तो ये ग्लो करेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रेकर है इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। ठीक है, तो ब्रेकर ये अभी ऑफ पोजिशन पे है, तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग का चार्ज होना जरूरी है। स्प्रिंग चार्ज अगर नहीं है तो स्प्रिंग चार्ज करेंगे कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये है स्प्रिंग चार्ज करने वाला। तो यहाँ से ऑपरेशन में करके बताता हूँ आपको, कुछ नहीं बस ऐसे करके और इसको सिंपली खींचना है अपनी तरफ। ओके, धीरे धीरे करेंगे, जस्ट 8 से 10 बार में ये स्प्रिंग चार्ज ले लेता है। और एक बात और, थ्योरेटिकली हम लोग जानते हैं कि जब भी आइसोलेटर और ब्रेकर को ऑपरेशन करते वक्त सबसे पहले ऑफ कौन होगा, तो सबसे पहले ऑफ होगा आइसोलेटर, उसके बाद सबसे पहले ऑफ होगा ब्रेकर, उसके बाद आइसोलेटर, क्योंकि आइसोलेटर हमेशा ऑफ लोड काम होता है। ठीक है, और जब इसको मुझे क्लोज करना है तो सबसे पहले आइसोलेटर एंड देन ब्रेकर। ओके, तो सबसे पहले आइसोलेटर को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे, उसके बाद ब्रेकर को ऑन करेंगे। ओके, तो आइसोलेटर के लिए ये वाला, ठीक है, तो इसको यहां से सिंपली टेल करना है और आइसोलेटर को ऑन कर लेना है। अब ये ऑफ लोड पे आइसोलेटर ऑन हो चुका है, ठीक है, आइसोलेटर का स्विच लग चुका है, अब मैं ब्रेकर को ऑन करूंगा। तो ये यहां से सिंपली पुश बटन से ऑन करना है और ये अभी ऑन हो गया। ओके, और जब ऑन होगा तो ये स्प्रिंग चार्ज फिर हट जाएगा, दोबारा जब ऑपरेशन करेंगे हम फिर से स्प्रिंग चार्ज करने का जरूरत पड़ेगा। अब ये सब क्या है, ये ट्रिप इंडिकेशन, अगर इस लाइन में इससे जो केबल जा रहा है लोड एंड में अगर यहाँ पे किसी में फॉल्ट होता है या फिर किसी वजह से ये ओवर करंट होता है तो ट्रिप करेगा, तो ट्रिप करेगा तो पता कैसे चलेगा, तो ये इंडिकेशन है, ये ऊपर की ओर निकल जाएगा और ये रेड इंडिकेशन हो जाएगा तो पता चलेगा कि इस लाइन में ट्रिप है। ठीक है, ये इंडिकेशन है इस फीडर में पावर है तो ये इंडिकेशन ग्लो करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं ये क्या है, ये जो बॉक्स है ये है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले। ओके, इस पे आप ओवर करंट अगर किसी लाइन में फॉल्ट हुआ है तो उसमें फॉल्ट करंट वगैरह देख सकते हैं, आर वाई बी और न्यूट्रल के अक्रॉस जो भी फॉल्ट है तो वहां पे आप फॉल्ट देख सकते हैं। जैसे मेजरमेंट में मैं जाता हूँ, ठीक है, इसमें अगर फॉल्ट होता तो यहाँ पे कुछ एम्पियर दिखा लेता है, यहाँ पे फिर मैं सी टी रेशियो बहुत सारा कुछ मेजरमेंट में ले सकता हूँ। ठीक है, कुछ सेटिंग भी की जा सकती है। और ये जो टेस्ट पोजीशन, अगर इस सेटिंग में मैं ऑन करके रखता हूँ तो अगर जैसे ये टेस्ट पोजीशन क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया, ये था RMU रिंग मेन यूनिट और इलेक्ट्रिकल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू रेडियल एंड अदर। ठीक है, तो रिंग मेन यूनिट कॉस्टली है बट भरोसेमंद है और इसको ऑपरेशन भी इजी है, ऑनलोड किए जा सकते हैं ये सारे स्विच, अप्रॉक्स 600 एम्पियर्स ऑनलोड किए जा सकते हैं। ठीक है, सेफ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो ये केबल है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर केबल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स खुलेंगे कब, इसमें सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये बॉक्स तभी खुलेंगी जब ये आपका अर्थ पोजिशन पर होगा। अभी मैं ये केबल ये बॉक्स खोल के दिखाऊंगा तो ये खुलेगा नहीं, लेकिन जब मैं इसको अर्थ पोजीशन पे ला दूंगा तो ये खुल जाएगा। मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको, बस बस। अभी ये स्विच लगा हुआ है तो मुझे क्या करना है, पहले ब्रेकर को ऑफ करना है, ठीक है, और इसको ऑफ करके फिर अर्थ करना है। ऑफ करना है पहले, जैसे मैं बता रहा हूं आइसोलेटर ऑलवेज ऑपरेट ऑन ऑफ लोड। ओके, एंड देन इसको अभी अर्थ करना है।
ओके नाउ इसको अभी अर्थ करना है, तो अर्थ किया, अब ये जो चैम्बर है वो आसानी से खुल जाएगा। देखिए खुल गया, ये तभी खुलेगा जब ये अर्थ होगा, और यहाँ पे आपको ये जो नीचे से मेरे इनकमिंग केबल्स आएंगी वो सिटी के थ्रू, सिटी हमारा यहाँ पे 200:1 रेशियो का है, वो सब अपने यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं, और ये कनेक्ट होंगे यहाँ पे टर्मिनल्स हैं। ओके तो ओवरऑल अंदर की भी चीज और ऊपर जो बाहरी चीज है वो सारे और ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट RMU एंड सेफ है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, थैंक्स। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई होने से ये पुश बटन काम करेंगी, तो ये जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है यहाँ पे 12 वोल्ट की चार बैटरियाँ लगी हुई हैं और MCB है, कंट्रोल सर्किट के यहाँ पे सारे आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब इंटरनल है कुछ, जिससे आपके पुश बटन वगैरह सब काम करेंगी और कुछ ऑक्सिलरी पावर्स इसमें दी जाएंगी। तो ये जब अगर चार्ज है तो फिर ये सब काम भी करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बस इतना ही आपको दिखाना चाहता था इसमें, इसके अंदर बस हो गया।